से जी जी ए ए यू यू रव रव से जी ई ए ए ए ए ए ए यू Hey guys, welcome back to my channel. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रव के चैनल पे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ सब लोग जाते हैं, यानी कि अपने खास 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 और बहुत ही खास दोस्त से मिलने। क्योंकि आपने देखा होगा जब ये लॉकडाउन चल रहा था तो हम लोगों ने काफ़ी वीडियो कॉलिंग की थी क्योंकि हम लोग मिल नहीं सकते थे, लेकिन अब हम लोग मिल सकते हैं। और मैं अपनी ट्रिप कंप्लीट करके आ चुका हूँ जयपुर से। अब मैं जाने वाला हूँ अपने खास फ्रेंड, जो कि एक सरप्राइज है। वैसे सरप्राइज नहीं, आपने देख लिया होगा थंबनेल में, बट स्टिल एक सरप्राइज रहने देते हैं, थोड़ा सा तो फील आना चाहिए। लेकिन मैं कैसे जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़ी बात है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल स्पेशल एंड वेरी स्पेशल व्हीकल। चलो लेट्स गो। सो गाइस, ये है एथर का 450X स्कूटर, जो कि बैटरी से चार्ज होता है, ना ही पेट्रोल लगता है ना ही डीजल, और इसके बहुत सारे खास खास फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे इसकी ऐप को डाउनलोड। ये इसकी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद में आप लॉग इन कर सकते हैं और इसकी सारी डिटेल्स जान सकते हैं। सो गाइस, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि है नेविगेशन, क्योंकि मैं सज्जाद का घर अक्सर भूल जाता हूँ, मतलब मुझे याद है बट पूरा नहीं याद है, तो उसके लिए काम आने वाला है इसका इनबिल्ट नेविगेशन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है, स्क्रीन मिलेगी, टच स्क्रीन मिलेगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन आप एंटर करेंगे अपना डेस्टिनेशन लोकेशन, जैसे सज्जाद कांदिवली। तो गाइस, लोकेशन एंटर कर दी गई है, अब हम जाने वाले हैं सज्जाद के पास। सो देर किस बात की, लेट्स गो एंड एंजॉय द राइड। इसके साथ आपको मिलता है एक होम चार्जर और पब्लिक चार्जिंग की सर्विस। ये एथर स्कूटर दिखने में बहुत ही अमेजिंग है एंड फ्यूचरिस्टिक भी है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है एंड इस प्राइस रेंज में ये एकदम वर्थ इट है। एंड गाइस, जब मैं जयपुर में था तो मैं मुंबई को और मुंबई के ट्रैफिक को बहुत मिस करता था, इसी के लिए इसके अंदर आपको मिलेंगे 4 ड्राइविंग मोड्स, जो कि है इको, राइड, स्पोर्ट एंड ड्रॉप। और साथ ही साथ आपको मिलता है रिवर्स फीचर, यानी कि रिवर्स मोड में जाता है, सिर्फ एक्सेलरेट करना है, और बहुत ही अमेजिंग बूट स्पेस जिसमें आप अपना बड़ा बैग भी अंदर रख सकते हैं। एंड मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रेन्स, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आप इसको रेन में भी चला सकते हैं, बिकॉज दिस इज IP68 रेटेड एंड इजी टू यूज इन रेन। फाइनली हम लोग सज्जाद के घर पहुंच चुके हैं और मैं वेट नहीं कर पा रहा हूं उससे मिलने के लिए, तो करते हैं उसको एक कॉल। सज्जाद खान, सॉरी। हाँ भाई, कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हो। ओके, सज्जाद आ रहा है हमारे साथ, 5 मिनट में वेट करते हैं। अच्छा सुनो, प्रोड्यूसर का बोल दो, 10 करोड़ हो या 100 करोड़, सज्जाद खान को अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगी तो वो एक्टिंग नहीं करेगा। सज्जाद खान, द लेजेंड सज्जाद खान भाई, मिल ले यार, हम भी इतनी दूर से आए भाई, इतनी दूर से आए तुमसे मिलने, तुम यार अपने करोड़ों की डील को लात मार रहे हो, ऐसा क्यों? पैसा बहुत जरूरी है सज्जाद, ये मैंने सीख लिया इस दुनिया में, पैसा सब होता रहेगा। हाँ। आप मुझे ये बताओ, आप कितनी दूर से आए और कैसे आए? मैं आया हूँ 25 किलोमीटर दूर से इस पे। ये क्या है? ये है एथर का इलेक्ट्रिक स्कूटर 450X। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, आप सिर्फ चार्ज करो और चलते जाओ, सिर्फ 1.5 घंटा चार्ज होता है ये। 1.5 घंटे में अगर आप ऑफ चार्जिंग करते हो, फुल चार्ज हो जाएगा और आप 90 किलोमीटर तक चल सकते हो। 90 किलोमीटर चल नहीं सकते, मतलब चला सकते हो, चार्ज करके खुद ही चलो तो मतलब वो तो खड़ी रही, वो तो मेरे लैम्बोर्गिनी में भी होता है। अब तो मैं घुमा के आता हूँ। ओके, बहुत शानदार चीज है, चले चले। आक्रमण, मैं और गौरव भाई जमीन की ऊंचाइयों में कोरा है। मजा आ रहा है यार, इतने सालों बाद तो नहीं, मतलब लॉकडाउन के इतने महीनों के बाद हम लोग ऐसे एंजॉय कर पा रहे हैं खुल के। पाँव ऊंचा कर। मैं यूट्यूबर हूँ जो इनके व्लॉग में आया हूँ। भाई मैं यूट्यूबर हूँ जो आपके व्लॉग में आता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं बैठा, मैं इनको बोलने वाला था कि यार
स्कूटी चालू तो करो, उन्होंने सीधा एक्सीलेटर मारो चल के। मैं बोला ओ ये खास बात है इस एथर की, आई थिंक हमें कुछ खा लेना चाहिए यार, तो भूख नहीं लग रही, इतने टाइम बाद हम लोग मिले। अभी आप इतने टाइम बाद मुंबई आए हो, आई थिंक सबसे पहले तो आपको खाना चाहिए वो है वड़ा पाव। वड़ा पाव, लेट्स गेट सम वड़ा पाव। वड़ा पाव चैलेंज करते हैं यार। लेकिन भाई लंबे बाल बहुत सूट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करो, मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। थैंक यू, मैं बचपन से बड़ा हैंडसम हूँ। ये इंग्लिश में जयपुर में सीख के आया हूँ 1.5 महीने में। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। कितनी लड़कियों को बोला आपके लाइफ? लड़कियों ने मुझे बोला। बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियों से ऐसे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं। I really missed vada pav in Rajasthan. So ये मौका मिला है जब दो यार मिले हैं, मिलके होने वाला है एक इन शॉर्ट चैलेंज, एक छोटा सा वड़ा पाव चैलेंज, और ये ऑन द स्पॉट चैलेंज है, कुछ प्लान नहीं था, प्लान नहीं था, ऐसा लगा कि चलो यार थोड़ा वड़ा पाव खाते हैं, मजे करते हैं, और हमारे पास होने वाले हैं तीन तीन वड़ा पाव। कितने कितने? तीन टोटल, सात है, एक कैमरामैन के लिए भी है। हाँ, वो टाई ब्रेकर जैसा भी यूज कर सकते हैं, इनकेस मैंने फास्ट खा लिया, इन्होंने स्लो खा लिया, एंड आई डोंट नो अब बड़ा पाव खाओगे कैसे, मतलब जो बॉडी बनाई है माशाल्लाह, जो मसल्स आप बढ़ाते जा रहे हो लॉकडाउन में, फिट होते जा रहे हो, तो भाई यही तो, इसीलिए आज मैं चीट डे सोच के आया था और आज मैं चीट डे करने वाला हूँ, और देखते हैं कौन पहले खाता है, तुम या मैं। उम्मीद कम है क्योंकि वड़ा पाव में थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो मैं उतना स्पाइसेस नहीं खा पाता हूँ, एंड मेरा भी नहीं, बहुत लो टॉलरेंस है स्पाइस का, तो हमने बोला जो सात वाली मिर्ची होती है वो भी मत देना, और वो भी आई थिंक मीठा सूखा इससे, लेकिन मिर्ची खाएंगे, मिर्ची खाएंगे बिना इसके मजा भी नहीं आएगा, वड़ा पाव का मजा उस मिर्ची के जो साथ। हारेगा वो दो मिर्ची खाएगा। चलो टन, ये पनिशमेंट भी पहले ही सब हो रहा है डिसाइड, पहले वी आर रेडी, लेट्स गो। सुनो जो बड़े वाले वड़ा पाव है ना तो उसको देना, और उसका बाद में थोड़ा तीखा ज्यादा लगा, उसके बाद रेसिपी जो मेरे घर पे ऑथेंटिक बनती है, एक्चुअली बिकॉज़ महाराष्ट्र से और महाराष्ट्रियन फूड है, तो अकेले में जाके क्यों बता रहे थे? आप बिजी थे अपने एथर के साथ, मुझे बहुत पता है, बहुत एक्सपीरियंस है इन चीजों का। भाई स्कैन क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए फोन में बैलेंस होना, तो भाई उस फोन के जो ओनर है उसके पास भी बैलेंस होना चाहिए, फोन आप ही का है। हाँ, तो इसलिए तो मैंने बोला बैलेंस है ही नहीं, तो बैलेंस भी करो पेमेंट, इतना महंगा फोन रखे हैं, बैलेंस नहीं रखे हैं, जो तुम यूट्यूब पे नए नए शोज कर रहे हो, इंटरव्यूज कर रहे हो, यस, तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? लोन पे। देख रहे हो लोन ले लेके हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, ये भी मैं सबसे बड़ा लोनर यूट्यूबर हूँ। तो गाइस हम तैयार हैं एक चैलेंज के लिए, एंड सजाद रियली मैं बहुत टाइम के बाद एक चैलेंज कर रहा हूँ, एंड वो भी अपने भाई के साथ, और वो भी फूड ईटिंग का चैलेंज, वड़ा पाव का चैलेंज, देखते हैं कौन पहले खत्म कर सकता है। 3, 2, 1 गो। खत्म हो गया फर्स्ट बार, ऐसा नहीं खाने गए, चीटिंग है। मेरी लाइफ की फर्स्ट मिर्ची मुझे बहुत, तुम्हारा तीसरा वाला मैं खा गया, मैं चीटिंग मेरा थर्ड है, चीटिंग नहीं मेरा थर्ड है। नाउ थर्ड वन, ये मैच मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ, फॉर्मेलिटी चल रही है, अनलेस जो इतना बड़ा मुंह खोल के सारा अंदर खा रहे हैं। स्पाइसी ज्यादा, वो मिर्ची खिला दीदी, वो मीठा चटनी है क्या? देखिए चीटर ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं हो रहा, हो रहा है, खत्म नहीं कर पा रहे भाई, हो रहा कब होगा, ऐसा नहीं है, जो जीता वो जीता, अब मैं प्यार से दो मिर्ची खिलाने वाला हूँ यार, चीटिंग काम से बाहर जाने का, कोई बाहर पे भी तो वॉशरूम होगा ना, चलो एक खा लो, एक काटो ले जाओ,
ले जा ले जा, मजा आता है। सज्जाद क्या हुआ भाई? चैलेंज भारी पड़ गया क्या तुम पे? क्या हुआ क्या? मिर्ची थी या खाया नहीं गया? हार मंजूर है कैमरे पे? तब मंजूर है बोले भाई, तुम खाने दो अभी। आया मजा? बहुत टाइम के बाद दो यार मिले, बहुत इंजॉय किया। आई होप कि आप लोगों को भी उतना ही मजा आया होगा जितना हम दोनों को, नहीं इन्हें वड़ा पाव खा के और मिर्ची खा के और पनिशमेंट लेके आया होगा जो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और सज्जाद का यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी कर देना, और मेरे वाले को तो आप कर ही देते हो, और प्यार कर देना जितना आप कर सकते हैं। और एक और चीज़, एथर के स्कूटर 450X को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप टेस्ट ड्राइव भी बुक कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिएगा। बोलने बार अगली बार बोलेंगे, अगली बार बोलेंगे, बाय बाय।